मैं चलता हूँ, वो लोग देखना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, देखिए ऐसे ही कहीं भी चल पाते हैं। और देखिए इत बना हुआ है कि हैंडीकैप है, विकलांग है, तो उन्हें भीख ही मांगना पड़ेगा। ये सरासर गलत है, सोच है। बिल्कुल ऐसे ही कहीं भी चल पाते हैं। और देखिए फाइनली जब इनको देखेंगे आप ऐसे ना, तो वाकई में आपको शॉक्ड लगेगा कि भाई साहब इतनी चैलेंजिंग होने के बाद भी हिम्मत की दाद होनी चाहिए। ऐसा ही देखे ना तो मुझे लगा कि इनसे बात जरूर करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं कहीं है ना, लोगों के सामने, भीड़ के सामने मुझे अलग तरह का ट्रीटमेंट मिलता है, तो थोड़ा बुरा लगता है। तो वो ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए कहीं पे भी। ट्रीटमेंट जैसे कि मतलब कि आपको फील करवा दिया जाए कि आप हैंडीकैप हो। फील करवा दे। हम बात कर रहे हैं हमारा बिहार और हमारे बिहार की ताकत। ऐसी स्टोरी, ऐसी कहानी है जो हमारे सामने जो शख्स देख रहे हैं, फ्लिपकार्ट बॉय हैं और 75% से ऊपर ये हैंडीकैप्ड हैं। दिन भर में 40 पार्सल कर लेते हैं, फ्लिपकार्ट का डिलीवरी कर लेते हैं। और इनसे ही जानेंगे कि विशेष ये किस तरीके से इतना खास तरीके से काम कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है इब्राहिम जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने। ये मुझे बताइए कि कैसे ये ख्याल आया आपको कि इस तरीके से हम फ्लिपकार्ट में काम करें और डिलीवरी करें लोगों को, इस तरह से काम करें, कैसे ख्याल आया? जब बिहार गवर्नमेंट ने मुझे साइकिल प्रोवाइड करवाया, बैटरी ट्राईसाइकिल, तभी ख्याल आया कि मैं कुछ अलग कर सकता हूँ और थोड़ा अर्निंग भी ज़्यादा कर पाऊँगा। तो मैंने फ्लिपकार्ट ज्वाइन किया और तब से मुझे बहुत बेहतर महसूस हो रहा है और अच्छा मैं कर भी पा रहा हूँ। इसमें 40-45 का रेश्यो रहता है मेरा डेली का, फ्लिपकार्ट का डिलीवरी कर देता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। और सैलरी भी ठीक ठाक आ जाती है। पहले मैं अपना खुद का एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था, 2-3 जगह मैंने काम किया, लेकिन वो सैलरी बेस सही नहीं रहा, इस वजह से मैंने वो ख़त्म कर दिया और मैंने फ्लिपकार्ट ज्वाइन किया फिर उसके। अच्छा जी। सबसे पहले बात ये आती है अपने बिहार में कि हैंडीकैप्ड है तो हम ये कैसे काम करेंगे, तो ख्याल आया कैसे? एक ख्याल लेके हमेशा से रहा ये कि खुद पे ही कुछ ना कुछ करना है, मेहनत करना है, मेहनत के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, मदद नहीं लेनी है, उस तरह का मदद नहीं लेना जो उस तरह का लोग मदद लेते हैं रोड पे बैठ के। तो उस तरह का मदद मुझे नहीं चाहिए। मतलब भीख नहीं मांगनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं। पढ़ा लिखा इंसान हो, नॉलेज है मुझे अच्छे खासे, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, 2015 में ही मैंने कंप्लीट कर रखा है, लेकिन फैमिली इशू के वजह से मैंने आगे पढ़ाई नहीं कर पाया क्योंकि जिम्मेवारी है कमाने वाने का। हम आपको देखेंगे आपको मतलब कि कैसे वहाँ डिलीवरी करते हैं, कैसे पहले इसी पे बैठा रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं इसी पे बैठा। दोस्तों देखिए इब्राहिम जी 75% हैंडीकैप्ड हैं, लेकिन कैसे क्या करते हैं जरा हम दिखाएंगे इनको कि ताकि लोग इंस्पायर हो जाएंगे। यहीं बैठ के अपना यही बैग खोलता हूँ, ऐसे ही बैग खोलता हूँ। हाँ हाँ हाँ। बैग खोल के यहाँ से पार्सल निकालता हूँ, कस्टमर को प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा अच्छा। मेरे पास पार्सल अभी है नहीं। मैं अभी वेयर हाउस ही जा रहा था, तो वेयर हाउस जा रहा था इसलिए मेरे पास पार्सल नहीं है, लेकिन यहीं से बैठे बैठे मैं ही कर लेता हूँ। गाड़ी बहुत सूटेबल है, छोटा है, तो बिल्कुल गैठ है, उतरने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा मैं उतरने की कितना उतर के। और अगर अपने पास ये है तो अच्छे अच्छे लोग हैंडीकैप भी बहुत अच्छे अच्छे जगह पे हैं, अगर मेहनत करके गए हैं तो वो तो बस मेहनत करें। अगर नॉर्मली भी मेहनत, अगर पढ़े लिखे नहीं तो नॉर्मलों के लिए भी जॉब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितना कमा लेते हैं इब्राहिम जी? तकरीबन 15 से प्लस कमा लेता हूँ मैं, 15,000 तकरीबन कमा लेता। क्या बात है, यानी कि 15,000 महीना निकाल लेते हैं। हाँ, आराम से आ जाता है। डिलीवरी की जब करते होंगे तो 40 पार्सल अब पर दे कर देते? मेरा नॉर्मल का ये रहता है कि मैं 40 कर ही के जाऊँ घर। एक सवाल है कि डिलीवरी के समय में कस्टमर बहुत सारे टाइप के होते हैं, एक कोई कस्टमर ऐसे होते हैं कि भाई हमको अंदर में जाके दो, ऐसे दो, ऊपर दो, ऐसे करो, क्या? देखिए हमेशा हमेशा कभी ऐसा होता नहीं है, एकाक चांस एकाक लोग मिल जाते हैं उस तरह से, लेकिन हमेशा हमेशा देखिए तो कस्टमर हमेशा बहुत सबसे सपोर्टेड रहते हैं। मतलब वो इजी है कि वो देखते ही साथ बोलते हैं अरे आपने मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है। मैं एम्स भी जाता हूँ, एम्स के स्टूडेंट लोग ने मुझे बहुत ज़्यादा वो किया है, इंक्रेज किया है, हाँ इंक्रेज किया है माइंड में डाल के कि आप बहुत अच्छे कर रहे हो, आपका मेहनत देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो सब चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं आप जहाँ भी आते हैं वहाँ इंस्पायर लूल के, बिल्कुल वो लोग बोलते हैं कि आप इंस्पायर कर रहे हो मुझे, बोला सर जिंदगी है मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सिर्फ देखिए मोटिवेशन के लिए यही बोलूँगा, कभी भी वो अपने आप को आधा अधूरा ना समझें, दूसरों से अपने कमज़ोर ना समझें, वो भी मजबूत हैं, अब वो भी सारे काम कर सकते हैं जो एक नॉर्मल पर्सनालिटी कर सकता है, नॉर्मल ह्यूमन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग वो नहीं कर सकते जो आप लोग कर सकते हैं, हम लोग भी वही कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा चैलेंजेस आते हैं लेकिन उस चैलेंजेस को पार करके ही आदमी आगे बढ़ सकता है। अच्छा आप तो जहाँ भी जाते होंगे अच्छे लोग के पास जाते होंगे,
तो वो काफी प्रोत्साहित करते हैं। हाँ बिल्कुल, हम बोले तो कस्टमर जो होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, बहुत सपोर्टेड होते हैं। जब आप बाहर निकलिएगा तो कभी भी आपको फील नहीं आएगा, वो एक मतलब अलग तरीके से फील नहीं करवाते कि आप हैंडीकैप हो, चाहिए वो एक नॉर्मल बिहेव करते हैं कि आप भी एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, आप भी एक नॉर्मल काम कर रहे हैं, बस यही बिहेवियर रहता है हमेशा। लोग बूढ़े भी होते हैं जो सोचते होंगे कि भाई कुछ और, मतलब कि देखिए कभी ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं कहीं है ना लोगों के सामने, भीड़ के सामने मुझे अलग तरह का ट्रीटमेंट मिलता है तो थोड़ा बुरा लगता है। तो वो ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए कहीं पे भी। ट्रीटमेंट जैसे कि मतलब कि आपको फील करवा दिया जाए कि आप हैंडीकैप हो, फील करवा देता है। हाँ कहीं कहीं फी पे फील हो जाता है कि आप मुझे वो इस तरह से ट्रीट करें, इस तरह के फील्ड हैंडीकैप आप मुझे बोलना चाह रहे हैं इंडिविजुअली। तो आप शरीर से जरूर हैंडीकैप्ड वहाँ पे होंगे, लेकिन सामने वाला का माइंड वो हैंडीकैप्ड है भाई साहब। यही बात है कि आप उनके बातों का बुरा ना लगाएं कि हाँ कोई अगर मुझे बोल दिया उस तरह का ट्रीट कर रहा है तो हम ये कर रहे हैं, लेकिन आप अगर डेली काम करेंगे तो आप उस सब भूल जाएंगे, आपको डेली चैलेंज होता है कि आपकी मेहनत को देखकर कोई बोलता होगा कि बेटा ये कुछ पकड़ लो। हाँ हाँ ना ना ना, तो मैं कभी ऐसा हुआ नहीं है। अब ऐसा होता है कि जैसे 10-20 एक्स्ट्रा तो मिल ही जाता है तो उसमें हाँ कमीशन हो जाता है, लेकिन कभी भी ऐसा आता तो मैं खुद ही बोलता हूँ नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने मेहनत का वर्क चाहिए। जो आपके पास है अभी, जो आप जिस पे बैठे हुए हैं, ये कहाँ से कैसे क्या मिला? ये बिहार गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, ऑनलाइन प्रोसेस है इसका। 60% अगर एबव हैंडीकैप है तो आपको इजी वे में ऑनलाइन फॉर्म भरिए, आपको 5 से 6 महीने में आपको मिल जाएगा। अच्छा, यानी कि यही आपका हाथ पैर? बिल्कुल बिल्कुल, बिहार गवर्नमेंट का ये मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलूंगा कि जो उन्होंने ये सोचा कि हैंडीकैप को एक फ्री ऑफ एकदम माइंड वाला एक साइकिल दिया जाए ताकि उनको कुछ ना कुछ करने का मौका मिले। तो ये इसके लिए मैं नीतीश सर को बहुत मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा इसके लिए। हाँ, इस टॉपिक के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। जी आपके जैसे और कोई हैंडीकैप्ड हैं जो फ्लिपकार्ट में या कहीं काम कर? अभी तो नहीं है, लेकिन मेरा एक दो चार फ्रेंड है जो खुद के लिए कुछ कुछ छोटा मोटा दुकान किए हुए हैं। अगर यानी कि पहला इनिशिएटिव आपकी है, मैंने देखा बिहार में कि फ्लिपकार्ट में डिलीवरी करे और इतना हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी। बिल्कुल बिल्कुल, पहला आप। और इस हिम्मत के लिए और भी लोगों को क्या कहिएगा? मैं यही कहूँगा कि जितने लोग हैंडीकैप हैं, मैं खास करके उन्हें बोलना चाहूँगा, हिम्मत मत हारिए, आप अपना हिम्मत दिखाइए, आपको सपोर्ट भी लोग मिलेंगे, सपोर्टेड सारे कंपनी भी मिलती है, आपको सपोर्ट मिलेगा, मेहनत करने वालों कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बिल्कुल, अक्सर जो लोग भीख मांगते रहते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं हमारे जिंदगी ऐसी हो गई, हमारे तो हाथ नहीं है, हमारे तो पैर नहीं है, तो हम बोल नहीं पाते हैं। एक मीत जी, हाँ मेरे वेयर हाउस ने भी मुझे बहुत हेल्प किया है। जी बिल्कुल, मेरे वेयर हाउस सामान में हाँ बहुत हमेशा करते हैं, डेली करते हैं, समझिए वो स्टार्टिंग सुबह का जितना काम होता है ना वो सारा कुछ मेरा फ्रेंड लोग ही कर देता है, और उसके बाद जब पार्सल वार्सल बांट के कुछ बच जाते हैं तो वो सारा काम मैं खुद ही करता हूँ। लास्ट स्टेटमेंट, जो मुश्किलों में कहते हैं कि मुश्किलों में जिंदगी होती है लेकिन हौसलों में उड़ान होती है, उनके लिए क्या कहिएगा लास्ट? देखिए हौसलों में उड़ान रखनी चाहिए, अगर जब तक अगर आप अपने खुद में हौसला नहीं रखेंगे तो आप जी नहीं पाएंगे। जीने के लिए बहुत हौसला ज़रूरी है, लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है, फैमिली का बहुत सपोर्ट ज़रूरी है, दोस्तों का बहुत सपोर्ट ज़रूरी है, तो इन सारे लोगों का मेरे पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। खास करके दोस्त भी मेरे ऐसे ऐसे मिले हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं और करते रहेंगे। अच्छा, वो जी बिल्कुल, बिहार में सब कुछ ओके है और आप जैसे लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं, अभी भी बिहार में ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो तो यही भीख मांगने वाला काम करते हैं? देखिए तो हम तो ये बोलेंगे एजुकेशन सिस्टम तो सही हो ही रहा है धीरे धीरे, और हैंडीकैप को पढ़ना चाहिए क्योंकि बिना पढ़े हैंडीकैप का कुछ है नहीं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ने नौकरी लेने के लिए पढ़ा जाए, नॉलेज इंसान का बहुत ज़रूरी होता है, एजुकेशन बहुत बनने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये इब्रार जी से बातें हुई, फ्लिपकार्ट बॉय हैं, हैंडीकैप्ड हैं, लेकिन ऐसे में हौसले की दाद देनी चाहिए, और जब इनसे मिले हैं तो मज़ा आ गया। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी अपनी राय क्या है, और जितना से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को हौसला मिले, और भी लोगों को नॉलेज मिले और इंस्पिरेशन मिले, ताकि हज़ारों लोग जो भी बिहार में हैं हमारे बिहारी, वो सभी लोग जाग जाएं और ये ना सोचें कि हम ऐसे हो गए तो हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई। आपकी ज़िंदगी में और भी नई चीज़ें हैं, और भी अच्छाई है, आप अपने आप को कैसे डिलीवर करते हैं, कैसे सोचते हैं, आपकी सोच क्या है, आपकी हौसला क्या है, उस पर डिपेंड करता है। आपकी राय कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।